अब देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वही पेज नंबर 6 का, चैप्टर 1 केमिस्ट्री 10th क्लास, है ना। इसमें अब क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट दे दी है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, मतलब स्टेट सिंबल्स लिखने हैं कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस है, बैलेंस्ड करनी है, यानी वही स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं। इन्होंने क्या दे दी है, स्टेटमेंट दे दी है। सो मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन होती है, इन्होंने वो दी है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे इन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी थी, वर्ड वाला फॉर्मेट दे रखा था। तो स्टेटमेंट से सबसे पहले तो हम वर्ड फॉर्म बनाएंगे। अच्छा ठीक है, वर्ड फॉर्म इकट्ठे ही बना लेते हैं, है ना। देखो पहली क्या बनेगी वर्ड फॉर्म, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड। अब बैरियम क्लोराइड तो पता है आपको, लेकिन सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड ये नहीं पता, ये नई चीज़ है। तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो आपको कितनी स्टेट का पता है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, इनका तो पता है। एक जो चौथी है एक्वस, इसका नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, अगर वो वाटर में है देन इट इज़ नोन एज एक्वस। सो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 है, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ना। देखो आगे लिखा भी है, सॉल्यूशंस ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। यहाँ तक आ गया एक पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट हुआ, ये बैरियम क्लोराइड हुआ, इनका सॉल्यूशन इन वाटर मींस दे आर इन एक्वा स्टेट। ना तो ये सॉलिड है यहाँ, ना ये लिक्विड है यहाँ, ना ये गैशियस फॉर्म में है, दे आर इन एक्वा स्टेट। ये मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड इन वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर का। उसके बाद दे गिव्स अस रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट हुआ BaSO4। देखो ये तो याद करने होंगे, फॉर्मूले जो हैं वो याद करने होंगे। अब बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला याद किया, इनसोल्यूबल का मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगेन वही बात, सोडियम क्लोराइड हमें पता है NaCl है ना। उसके बाद उसका सॉल्यूशन यानी कि एक्वा स्टेट में। सो ये हो गई एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमने देखो फर्स्ट किया स्टेटमेंट से, हमने बना ली वर्ड फॉर्म, थर्ड हमारा स्टेप आएगा स्केलेटल इक्वेशन का, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक। उसके बाद अगला हमारा आता है फोर्थ, बैलेंस्ड इक्वेशन का। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये वर्ड फॉर्म नहीं था, हमने सीधा स्केलेटल इक्वेशन बना दिया। इसका मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला वाला वर्ड फॉर्म कब होता, जब यहाँ लिखा होता बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स यू बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये लिखा होता तो ये वर्ड फॉर्म होता, लेकिन हमने सीधा स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म में लिखा है इसको। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, बैरियम एक है, क्लोराइड दो होने चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, सोडियम दो होने चाहिए 2 हो गए, सल्फेट एक होना चाहिए 1 हो गया। तो अब ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में स्टेटमेंट दी है वर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। इस वाली को मैं वर्ड फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले लिख देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस स्टेट में है, ठीक है एक्वस लिख देते हैं, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, ये भी सॉल्यूशन है मींस एक्वस है,
टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वाटर. ठीक. अब देखो इसको वर्ड फॉर्म को अब हम स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं. NaOH हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वा स्टेट में, क्योंकि सॉल्यूशन बोला है इन्होंने इन वाटर. ये कर रहा है रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl. ये भी क्या है, सॉल्यूशन यानी एक्वस. रिएक्ट करके ये बना रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl. ये भी यहाँ पर एक्वा स्टेट में ही है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ना सोडियम क्लोराइड वो वाटर में ही हो रहा है. वाटर जो है ये लिक्विड है. सो ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन. अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं. एक Na है, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है. ये स्केलेटल के साथ साथ बैलेंस भी है. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ. सॉरी मैं राइट करना भूल गया, यहाँ क्वेश्चन में भी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिखा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन से हमें ये सेल्फ अंडरस्टूड हो ही जाएगा कि ये एक्वस है.